टॉप 10 डिफरेंसेस बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी। ।2019 में नरेंद्र मोदी ने अपनी इनकम का सोर्स सरकार से मिलने वाली तनख्वाह तथा बैंक से मिलने वाला ब्याज बताया था। वहीं 2019 में राहुल गांधी ने अपनी इनकम का सोर्स एमपी की सैलरी, उनकी रेंटल इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड्स, डिविडेंड्स, गेन्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड बताया था। ।2002 में नरेंद्र मोदी पर गुजरात में दंगे भड़काने का आरोप लगा था, पर बाद में कोई भी सबूत न मिलने पर 2013 में कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह घोषित किया था। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ अभी भी 5 केस कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें से 4 केस मानहानि के हैं तथा 1 केस फ्रॉड का है। नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया में बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी लिस्ट बहुत ही लंबी है। इनमें कुछ मुख्य अवार्ड हैं: द हाईएस्ट ऑनर ऑफ सऊदी अरेबिया, द हाईएस्ट सिविलियन ऑफ अफगानिस्तान, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पैलेस्टीन, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रशिया, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ मालदीव, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ बहरेन। वहीं राहुल गांधी को 2009 में CNN IBN द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर इन पॉलिटिक्स मिला था। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई हैं, जिनमें मुख्य किताबें हैं सोशल हार्मोनी, ज्योति पुंज, इंडिया सिंगापुर स्टोरी, मन की बात, अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो, अ जर्नी, पोइम्स बाय नरेंद्र मोदी, एग्जाम वॉरियर्स। वहीं राहुल गांधी ने अभी तक कोई किताब तो नहीं लिखी, लेकिन उनके ऊपर लिखी गई 2 किताबें बहुत मशहूर हुई, जो हैं राहुल द फर्स्ट अथॉरिटेटिव बायोग्राफी, डी कोडिंग राहुल गांधी। अगर हम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में डिफरेंस की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी एज का है। नरेंद्र मोदी की डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1950 है तथा वह 69 ईयर्स के हो गए हैं। वहीं राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ 19 जून 1970 है तथा वह 49 ईयर्स के हो गए हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से उम्र में 20 साल बड़े हैं।